किसने बड़ा दुखी कर दिया। आप लोग भी दुखी होगी इस मास्क से, मैं भी, पर यार क्या करें, पहनना तो पड़ता है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नई एंटोर, देख ही लिया होगा आप लोग ने थंबनेल में। सो ये अभी रिसेंटली मेरी फैमिली की एक नई मेंबर बनी है, अभी रिसेंटली मैंने छोटे भाई के लिए ली है स्कूटी। सो फटाफट से चलते हैं, एक क्विक वॉक अराउंड देखो, फिर इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलो बाय। सो दोस्तों टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हैं, फटाफट चलते हैं इसके रिव्यू के बारे में तो मैं बताता हूँ। तो ये है नई एंटॉर्क 2020 BS6 रेस एडिशन। सो रेस एडिशन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, आपने देखा होगा, तुमने एक पुरानी एंटॉर्क तो देखी होगी, इसकी फ़ोटो भी आप देख लो, एक बारी में डाल देता, ठीक है। तो भी आपने देख ली पुरानी एंटॉर्क कैसी थी, और ये है उसका रेस एडिशन जो कि अभी नया 2020 में ही लॉन्च हुआ था, या आई गेस 2019 में भी एंड में आ गया था। सो आगे चलते हैं, सबसे पहले से बात करता हूँ नए नए के अपडेट्स आए। सबसे पहली चीज़ें आगे देख सकते हैं, ये है DRL अपना, ये DRL काफ़ी प्यारी लग रही है DRL, और पूरी फुल्ली LED कर दी है इसकी लाइट, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, मैंने देखा था बीच में ऑन करके, अभी तो ऑन हो नहीं रही, तो एक बार ऑन करते हैं हम स्कूटी। अच्छा, सो आप लोग देख सकते हैं ये लाइट ऑन हो गई, और काफ़ी अच्छा थ्रो है, थोड़ा वहाँ तक जा रही है इसकी लाइट, तो ठीक है। रात में मैंने चला के देखा तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, और लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। और साथ में आप देख सकते हो तो ये हेजर्ड ब्लिंकर इसके ऑन है, तो इसमें हमने कोई इसके यहाँ डैशबोर्ड साइड वाले हिस्से में आई गए, तो हम आपको इसके बारे में भी बताई देते हैं साथ साथ। फिलहाल इसके अंदर एडिशन क्या हुआ है, ये हुआ है स्विच ऑन। तो ये है हेजर्ड ब्लिंकर का स्विच, जो कि आपको स्टॉक में ही मिल जाता है, मतलब स्टॉक स्कूटी के अंदर मिल जाता है, बस कुछ नहीं, आप इसको ऑन करोगे आपके देख सकते हो दोनों ब्लिंकर्स ऑन। बाकी मीटर पहले जैसा ही है, सारे मोड वैसे ही जैसे पहले आते थे, जैसे आगे इसका स्पोर्ट्स मोड और इसका ये लैप टाइमिंग वगैरह भी आप इसमें नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये आगे आपका स्ट्रीट मोड, मैं फिलहाल स्ट्रीट मोड पे ही चला रहा हूँ, ताकि अभी ड्यू टू सम रीज़न सर्विस की वीडियो में बना नहीं पाया, मेरा भाई लेके गया था सर्विस कराने, और मेरे को यार ऑफिस भी जाना होता, तो स्कूटी ऑलमोस्ट दो हफ्ते के अंदर हमने 700 किलोमीटर पर चला दी। अब स्कूटी है ना, बाइक लेके घूमना, स्कूटी लेके घूमना, स्कूटी थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती, इजी रहती, इसलिए हम लोग ज़्यादातर अब क्या हर कोई स्कूटी को ही चला रहा है घर में, पापा भाई दोनों, मैं जब भी कोई होता है फ्री, मम्मी मम्मी सब स्कूटी को ही चला रहे हैं। तो जब से आई है भाई, बाइक भूल गए हम लोग, इस पर लग गए, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, थ्रॉटल वगैरह हर एक अच्छी है, पूरी ऑलमोस्ट चलती फिरती बाइक है। और सबसे प्यारी चीज़ इसके अंदर को लगती है इसकी पीछे की टेल की लाइट, चलो मैं तुम्हें फटाफट दिखाता हूँ। इसकी ये टेल लाइट मेरे को बहुत प्यारी लगती है, जैसे ना पूरा लोगो बन के आ रखा है एंटॉर्क का टी का लोगो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिक अपडेट इसके अंदर ये है, अब ये हो गई है आपका FI वर्जन है स्कूटी, ठीक है। ABS इसके अंदर आता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स है वो है 150 cc के ऊपर ही आएगा आपका ABS। यार बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। अभी सलून वगैरह खोलेंगे तो इस पर मैं कुछ काम कराऊँगा, तो उन भाई से आपको ज़रूर मिलवाऊँगा। तो वापस आते हैं इसके ऊपर, तो 150 cc है नहीं, 125 cc, इसलिए उनमें ABS नहीं है।
तो फिलहाल ये थी स्कूटी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या एडिशन है, और हाँ इसके अंदर कलर सिर्फ यही आता है। रेस एडिशन के अंदर आपको कोई कलर वेरिएंट नहीं मिलेगा, आपको यही ब्लैक एंड रेड मिलती है, कोई कलर वेरिएंट नहीं है। दो तीन ही चीज़ें को अपडेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। FI हो गई है, बाकी भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ इसका थ्रॉटल का रिस्पॉन्स। हेलमेट बनते हैं, फटाफट रोड पर चलते हैं, वहीं करते हैं आपसे बात। तो भाई स्कूटी में ग्लव नहीं, आसपास ही घूम रहे इसलिए मैंने जैकेट ग्लव्स पहने नहीं, हेलमेट हाँ जरूर पहन लिया, आप लोग देख सकते हैं मैं। तो फटाफट से इसको करते हैं स्टार्ट, और ये हो गई और चलते हैं। तो भाई ये मत बोलना डिवाइडर के ऊपर हो, ये थोड़ा रास्ता मारा आता ऐसी है, ठीक है। फिलहाल हूँ मैं चनक्यापुरी के एरिया में, आई गेस जो लोग इस साइड से हैं वो तो पहचान ही गए होंगे आराम से। सो सर्विस इसकी हो गई, इसके अंदर दो चीज़ें आपको और मिल जाती है, इको एंड पावर की ये लाइट, छोटी सी ये लाइट है आपको यहाँ दिख रही होगी, ग्रीन कलर की, ग्रीन जल रही है तो मतलब आप अच्छे एवरेज से चला रहे हो, आपका स्कूटी बहुत अच्छी एवरेज देगी। और जैसे ही आप इसका ऐसा थ्रॉटल यू देते ये हो जाएगी ऑरेंज, और देखो पावर, ओ भाई एनर्जी आ रही है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा थ्रॉटल का इसका रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी भाग रही है ये। पहली सर्विस करा ली है इसलिए मैं भगा रहा हूँ, और कोई नहीं है कि नीचे कम नमन करने लग रहा है कि भाई पहली सर्विस करानी है तो भगाने भी लगते हैं इसको। तो ये था इसका रिस्पॉन्स, हेजर्ड हमारे ऑन, ओहो राइम ही हो गया। तो चलो थोड़ा सा मेन रोड पे चलते हैं, देखते हैं ये एक बार में कितनी खिसती है, ठीक है। थिंक सो हम इसको खींच पाएंगे, हमने आप देख सकते हो लग रहा है थोड़ा थोड़ा जाम, तो देखते हैं क्या रहता है रिस्पॉन्स। ये मामा खड़े, मामा अच्छा मामा नहीं है, मामा की शक्ल में एक भैया खड़े हैं, गार्ड भैया हमारे। चलो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। भाई ये ऑलमोस्ट, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 8-10 सेकेंड में 70 छू रही है, तो एक यार स्कूटी से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतनी पावर मिल रही है, और मतलब इजी टू राइड तो होती है स्कूटी, मज़ा आता चलाने में। तो भाई ऐसे इतना डांस पर नहीं करना स्कूटी लेके, बस चलाओ मज़े से चलाओ। बाकी भी इसके जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और आई थिंक आगे डिस्क है, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ, मैंने सीरियसली नहीं देखा इसमें आगे डिस्क है या नहीं, मतलब ब्रेक रिस्पॉन्स इतना बढ़िया लगा मेरे को कि मैं क्या ही बताऊँ। और आप लोग यार देख ही सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रखा है, तो एक मिनट रुक के फ़ोटो ले ही लेते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी ये नई स्कूटी आप लोग को पसंद आई होगी। यार छोटी छोटी चीज़ों की ना ज़रूरत होती है हर एक को, तो बस हमारे घर में एक स्कूटी की ज़रूरत थी तो हम लोग लिया है। सॉरी गाइस मैं बताना भूल गया था, सभी डिस्कनेक्ट हम लोग हो गए थे। फ्रंट में इसके डिस्क है और इसमें ABS नहीं है, बट हाँ फ्रंट में डिस्क है और काफ़ी अच्छा ब्रेक रिस्पॉन्स है, अभी आपने देखा ही, मैं काफ़ी दिन से इसको चला ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट घर में सभी चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ब्रेक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर इसकी एवरेज के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करना मेरे को और बताना कि आपको इसका एवरेज वगैरह के बारे में जो भी कुछ पूछना हो उससे, तो मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा इसके एवरेज के ऊपर। सो आई होप आपको मेरी नई वीडियो पसंद आई होगी। तो एंड गाइस थैंक यू सो मच दिल से, जिन्होंने भी मेरी वो लास्ट वीडियो को देख के लोगों से सब्सक्राइब कराया, खुद किया है, मेरे वीडियो शेयर किए जितनों ने, सीरियसली दिल से बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को जिन लोगों ने मेरी इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प करी मेरे को। सो यार आप लोग के वजह से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ और इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, अभी तक के लिए बस इतना ही था, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट राइड कहाँ करते नहीं करते, मे बी शायद संडे की राइड की मैं वीडियो डालूँ, और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों की मैं वीडियोज़ बनाता ही रहूँगा। सो मिलते हैं तब तक के लिए, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बी सेफ, कोरोना चल रहा है।